फॉकलैंड के जज़ायर ये अटलांटिक ओशन में हैं और डिफरेंट टाइम्स में यहाँ डिफरेंट कंट्री से लोग जाके बसते गए। स्पेनिश लोग भी गए, अर्जेंटीनियन लोग भी गए, यूके के बहुत सारे बाशिंदे उन्होंने भी यहाँ अपनी बस्तियाँ बसाई। लेकिन 1833 से यहाँ बरतानिया का कंट्रोल रहा और बरतानिया ने अपने बहुत सारे बाशिंदों को फॉकलैंड्स जो जजायर हैं उन पे बसाया। ये जजायर अर्जेंटीना की कोस्ट लाइन से 1500 किलोमीटर के फासले पे। इसके बरक्स बरतानिया से इनका फासला 13,000 किलोमीटर का है। इस वजह से अर्जेंटीना इन जजायर को क्लेम करता रहा है, इन्हें कहता रहा है कि ये जजायर मेरा हिस्सा है, जबकि बरतानिया उसकी बात नहीं मानता। इस सिलसिले में इनके बहुत सारे मुजाकरात भी हुए। यहाँ तक कि 1968 में बरतानिया रेडी भी था कि जजायर अर्जेंटीना को दे दिए जाएं, क्योंकि 13,000 किलोमीटर का फासला था, कोई खास जरूरत नहीं थी कि इन जजायर पे बरतानिया अपना कंट्रोल रखे। लेकिन उस टाइम फॉकलैंड की जो जजायर हैं उनके लोगों ने बरतानिया की पार्लियामेंट में जाके लॉबिंग की, उन्हें समझाया कि इस जजीरे पे जो लोग रहते हैं वो बरतानवी हैं और वो अर्जेंटीना का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अर्जेंटीना के कंट्रोल में नहीं जाना चाहते। इसलिए बरतानिया की पार्लियामेंट ने अलाउ नहीं किया और फॉकलैंड जो जजायर हैं वो यूके का ही हिस्सा रहे। अब हम स्टोरी के दूसरे पहलू पे जाते हैं। 1976 में अर्जेंटीना में मार्शल लॉ लगा और मार्शल लॉ की वजह से वहां सियासी अदम इस्तेहकाम आ गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। उसकी वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से माशी हालात भी खराब होते गए, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया। अब इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से लोग गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो गए। जब गवर्नमेंट के लोग अगेंस्ट हुए तो गवर्नमेंट ने सोचा कि लोगों की तवज्जो किसी और इशू की तरफ दिलाई जाए, उनकी सारी अटेंशन जो है वो किसी और इशू की तरफ जाए, ताकि वो जो इस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस है उस पे तवज्जो ही ना दें। तो 1982 में अर्जेंटीना ने फॉकलैंड जजायर पर हमला कर दिया, ताकि जो अर्जेंटीना के लोग हैं उनमें पेट्रोटिज्म उसको फरोग हो, लोगों में नेशनलिज्म आए और वो चीज़ों को इस एंगल से ना देखें कि मुल्क के हालात खराब हैं, महंगाई है, बल्कि वो ये देखें कि देखो हमारी गवर्नमेंट ने दुश्मन से एक एरिया वापस। जब फॉकलैंड जजायर पर हमला किया, कब्जा कर लिया अर्जेंटीना ने, तो बरतानवी अवाम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उन्होंने भी एहतजाज करना शुरू कर दिया। और उस जमाने में हुकूमत थी मार्गरेट थेचर की बरतानिया में, जो कि बरतानिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने सोचा कि अगर ये अर्जेंटीना से जजायर वापस ले लिए जाते हैं तो उससे उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, बरतानवी अवाम खुश हो जाएंगी और अगले इलेक्शन में भी उनकी जो पार्टी है वो इलेक्शन जीत जाएगी। तो उन्होंने बरतानवी फौज को हुक्म दिया कि ये जजायर अर्जेंटीना से वापस लिए जाए। बरतानवी अफवाज ने जाके हमला किया, फॉकलैंड जजायर को घेरे में ले लिया, अर्जेंटीना के ना जहाज आने दिए ना बैरी जहाज आने दिए। काफी देर लड़ाई होती रही, दोनों तरफ से जानी नुकसान भी हुआ और आखिरकार फॉकलैंड के जजायर जो हैं ये अर्जेंटीना से बरतानिया ने वापस ले लिए। और इसी वजह से मार्गरेट थेचर को आयरन लेडी भी कहा जाता है, कि जैसे उन्होंने जंग लड़ी और फॉकलैंड्स के जजायर अर्जेंटीना से वापस लिए। इस जंग की वजह से अर्जेंटीना से मार्शल लॉ का खात्मा हुआ, फौजी हुकूमत खत्म हो गई और दोबारा डेमोक्रेसी आ गई। इस फॉकलैंड जजायर के मुतल्लिक, इस वार के मुतल्लिक जो क्वेश्चन किए जाते हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे। एक तो फॉकलैंड जजायर की जंग कब हुई थी, व्हेन फॉकलैंड वार वाज फॉट, तो
तो ये 1982 में हुई थी। फॉकलैंड का जजायर कहाँ वाकया है? अटलांटिक ओशन में वाकया है। और फॉकलैंड जजायर पे किसका कंट्रोल है? इन पे बरतानिया का कंट्रोल है। थैंक यू।